तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A82 के बारे में। ये स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले तो काफ़ी बेहतर होगी और काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और 5G की कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी। और ये सैमसंग गैलेक्सी A80 का सक्सेसर होने वाला है। और इस स्मार्टफोन के बारे में कई लोगों के मन में काफ़ी डाउट है, कब तक ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा और इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। और इस स्मार्टफोन का मैं आपको आज की इस वीडियो में फर्स्ट लुक भी बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर नहीं किया इस वीडियो को लाइक तो कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। किसके लिए वेट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो। तो फिर सबसे पहले आप इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक देख लीजिए। तो ये रहा इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक। 6.7 इंच की फुल स्क्रीन एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कैमरा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बैक साइड में। तो मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, कोई ग्लास की बॉडी नहीं देखने को मिलेगी। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ। चलिए बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में। इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी 4500 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी और यहाँ पर सैमसंग फास्ट चार्जर का सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है, जो बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, जो बहुत लोगों के लिए मेन हाईलाइट होता है, तो मैंने आपको बता दिया पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा 64 मेगापिक्सल का और यहाँ पर सोनी का सेंसर यूज़ किया जाएगा। सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कैमरा। कहने का मतलब है इस स्मार्टफोन में कैमरे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। कैमरा सेटअप यहाँ पर काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। और ओवरऑल बात कर ले इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में, इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है, मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होने वाली है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 855+ वाला प्रोसेसर। 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो सैमसंग परफॉर्मेंस में काफ़ी यहाँ पर ध्यान देगा, क्योंकि सैमसंग का स्मार्टफोन है तो परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की काफ़ी बेहतर होगी। सैमसंग का स्मार्टफोन है, 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी और परफॉर्मेंस में ये स्मार्टफोन पीछे नहीं हटने वाला। बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में, तो फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन की इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी 40-45,000 के बीच में इस स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ सैमसंग का वन UI देखने को मिल जाएगा। वन UI 3.1 लेटेस्ट UI है। एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। बात करें इस स्मार्टफोन के लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन आपको मिनिमम अगस्त के एंडिंग में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन के बारे में और भी कुछ लीक्स बाहर निकल के आएगी, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर लेना। किसके लिए वेट करें, अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। फटाफट पूरा करने में ज़रूर मदद करना। उम्मीदें कर लोगे तो फिर मिलेंगे ऐसे कोई अगले वीडियो में और ऐसे कोई अगले टॉपिक पर। इंटरेस्टिंग, तो गुड बाय एंड टेक केयर।